हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए वैष्णो टेक यूट्यूब चैनल को और उस बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं वैष्णो टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में यही प्रश्न है कि 31 मार्च 2018 को क्या उनकी जो प्राइम मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगी, क्या उनके जो प्लान एक्टिवेट हैं वो काम करना बंद कर देंगे। तो दोस्तों, जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, 31 मार्च 2018 को जियो की जो प्राइम मेंबरशिप है वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, जैसे कि आपको सभी को पता ही होगा कि मुकेश अंबानी जी ने एक साल पहले ऐलान किया था कि अगर आप 99 रुपीज़ देकर अपने जियो के नंबर पर रिचार्ज करवाते हैं, यानी जियो प्राइम मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। और उसी के चलते दोस्तों, काफ़ी लोगों ने अपने जियो के नंबर पर 99 का रिचार्ज करवा कर जियो की प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन कर ली थी और उनको काफ़ी अच्छे अच्छे बेनिफिट देखने को मिले थे। जैसे कि जियो के जितने भी एप्लीकेशन थे उनका जो सब्सक्रिप्शन था वो बिल्कुल फ्री में रहा था, यानी वो फ्री में उन सभी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे कि जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो म्यूजिक, इन सभी एप्लीकेशन को फ्री में इस्तेमाल कर सकते थे। और उसी के चलते दोस्तों, जियो प्राइम मेंबरशिप वालों को काफ़ी अच्छे अच्छे प्लान देखने को मिले थे जो अभी तक उनका लाभ उठाते आए हैं। तो दोस्तों, अब आ चुकी है 31 मार्च 2018, तो उनकी जो प्राइम मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब प्राइम मेंबरशिप खत्म होने जा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने 5 महीने पहले जियो की प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन की थी तो वो भी 31 मार्च 2018 को खत्म हो जाएगी, यानी आपको अलग से कोई भी एक साल का टाइम नहीं दिया जाएगा कि आपकी जो प्राइम मेंबरशिप है वो एक साल के बाद खत्म हो जाएगी। दोस्तों, सभी की प्राइम मेंबरशिप 31 मार्च 2018 को खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, इन सभी टेलीकॉम कंपनी की, इन सभी में प्राइम मेंबरशिप वाला कोई भी लफड़ा नहीं है। इसी बात को देखते हुए जियो ने भी प्राइम मेंबरशिप वाले लफड़े को खत्म कर दिया। अब आपको 31 मार्च 2018 के बाद कोई भी प्राइम मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ेगी, ऐसा दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं प्लान की, यानी कि जो आपने अपने जियो के नंबर पर एक्टिवेट करवाया हुआ है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो प्लान अपने हिसाब से काम करता रहेगा, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा जियो प्राइम मेंबरशिप को लेकर। यानी कि दोस्तों, आपकी जियो जियो प्राइम मेंबरशिप है वो 31 मार्च को खत्म हो जाएगी, लेकिन जो आपका जो प्लान है वो अपने हिसाब से काम करता रहेगा जब तक उसकी एक्सपायरी डेट नहीं आ जाती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यही था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।